मोइल पुट्टी से बनने वाले कोई भी क्राफ्ट फर्स्ट लेयर में कभी नहीं बनते। जब तक वो अच्छे से सूख नहीं जाते तब तक हम उसमें सेकेंड कोट नहीं दे सकते। देखिए हमारा ये सेकेंड कोट सूखने के बाद ही हमने इसमें कानों की डिटेलिंग दिए हैं। आप देखिए किस तरीके से हम इसमें कानों की डिटेलिंग दे रहे हैं। और पेन के ढक्कन से उसे डिटेलिंग दे रही हूँ और साथ में छोटी रिफिल है पेन की उससे भी मैं डिटेलिंग दे रही हूँ। आप देखिए ये हमारे बुद्धा जी बन के रेडी हो गए हैं और कलर करके भी यहाँ पर मैंने इसे रेडी करके रखा हुआ है। अब देखिए कैसे बने हैं, कमेंट करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।